करते हैं। हाँ यस साथी, देखो मैं कोशिश करूंगा, कुछ कह नहीं सकते, अभी बहुत अनसर्टेनिटी लग रही है। चलिए छोड़िए उस बात, अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड यूनिट इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? आई थिंक आप लोग इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं, जहां तक मुझे मालूम है आप लोग पढ़ भी चुके हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या चीज है कि अगर मेरे पास में कोई भी एक बॉडी है, लाइक मैं हूं, ओके, अगर आप मुझे थप्पड़ मारते हैं तब क्या होगा, मेरे गाल पे थप्पड़ लगा तो अभी जो मेरा स्ट्रक्चर है, जैसे ही थप्पड़ लगेगा तो यहाँ से थोड़ा सा ये डिफॉर्म हो जाएगा, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा ये डिफॉर्म हुआ, और जैसे ही मैंने उस फोर्स को हटाया ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड जो आप लोग जानते हैं वो है ये चीज, एक सेकेंड, मैंने मतलब इस चीज को संभाल के रखा था, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं ये देख लूँ आप लोगों का ऑडियो और वीडियो तो सही है। यस ठीक है। सो जो आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड जो चीज जानते हैं वो ये जानते हैं, ये रबर जो हम हेयर बैंड में जो काम में लेते हैं, या जो हम बुक्स को और पेपर्स को बांधने के लिए काम लेते हैं। अब इस रबर को देखो, इसकी साइज कितनी है? सिर्फ इतनी सी, छोटी सी साइज है ये। आप ये मान सकते हो कि मैक्सिमम ये जो है 2 और 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है, और वर्टिकल जो हाइट आ रही है वो 1 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 1.5 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट है। लेकिन इसके ऊपर जब मैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ, इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं वो एक्स्ट्रा फोर्स को हटाता हूँ ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। इट बिकम्स इट कम्स इन टू दी ओरिजिनल शेप वेन द डिफॉर्मेशन फॉर्म, डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव। जैसे डिफॉर्मेशन फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ ये अपनी शेप से डिफॉर्म हो जाता है, मेरे पास में ओरिजिनल शेप इस तरह से, जो मैं अभी हाथ में रबड़ बैंड लेके जो बता रहा हूँ आपको। और इसके ऊपर जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो इसकी शेप मेरी चेंज हो जाती है, और इसकी शेप ये इस तरह से लंबा हो गया। एक्सटर्नल फोर्स जब मैंने अप्लाई किया तो ये इस तरह से स्ट्रेच्ड हो गया, खिंच जाता है और इसकी शेप चेंज हो जाती है। तो और जैसे ही मैं इस फोर्स को हटा देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स को जब मैं हटाता हूँ तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के अंदर क्या है, देखो आप मेरे पास है ये जो मेरी ओरिजिनल शेप, ये है मेरी ओरिजिनल शेप, ये जो मैंने अप्लाई किया वो मेरा क्या है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स। और एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, इस केस में मेरा ये स्ट्रेच्ड हो जाता है, खिंच जाता है, ये हो गया स्ट्रेच। अब इस पर एक आज पता नहीं, मेरे अभी 2-3 दिन से ऐसा दिमाग खराब हो रहा है, ये आएगा स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड हो गया, खिंच जाता है। स्ट्रेच्ड होने का मतलब इसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन शेप।
साउंड आ रहा था? अगेन रिफ्रेश, वीडियो क्लियर बट वी कांट हियर. ओके नाउ लेट्स चेक. आप देखो, मैं वापस से बोलूंगा और तो क्या करूं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें. ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब देखो आप वापस चेक कर लो. ओके ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं वापस स्टार्ट करता हूं. क्या करो, मेरे पास में, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, लाइक मेरे पास में ये प्लास्टिक की रॉड, इसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हो रही है, इसकी शेप चेंज हो गई. शेप चेंज हो गई, वर्टिकल है, फोर्स अप्लाई किया, शेप चेंज हो रही. लेकिन जैसे मैंने इसका फोर्स हटाया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है. तो जब कहने का मतलब, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो उस बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, उस बॉडी का डिफॉर्मेशन हो जाता है. अब अगर ये फोर्स, आपने जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी में शेप चेंज हुई, या अगर ये फोर्स हटा देते हैं फोर्स को, जैसा भी मैंने जो रबड़ वाला एग्जांपल लिया, मेरे पास में ये रबड़ बैंड है, इस रबड़ बैंड के ऊपर, रबड़ बैंड के ऊपर मैंने, अब ये मेरे पास जो रबड़ बैंड है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्किल के शेप में है. इस सर्किल के शेप के रबड़ बैंड के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये स्ट्रेच हो गया और अच्छा दिख रहा है ना. इसके ऊपर जब मैंने एक्चुअल फोर्स हटाया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ गया. अगर ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है एक्चुअल फोर्स हटाने पे, जो फोर्स लगाया उस फोर्स को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, डिफॉर्मेशन फोर्स है. वो डिफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि वो इसकी शेप को डिफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ डिफॉर्मेशन फोर्स. डिफॉर्मेशन फोर्स के कारण इसकी शेप चेंज हो गई, फोर्स हटाया वापस ओरिजिनल शेप के अंदर आ गया. अगर ऐसा होता है तो इस प्रॉपर्टी को, मटीरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी. देन द प्रॉपर्टी ऑफ, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज नोन एज इलास्टिसिटी. और अगर फोर्स लगाने पर शेप परमानेंट चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मेरे पास में ये पेपर, अब इस पेपर के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मैं इसको यहां से इसको मैं फोल्ड कर देता हूं. ये मैंने फोर्स अप्लाई की, अब क्या हुआ, इसकी शेप डिफॉर्म हो गई. शेप पहले कैसी थी, पहले शेप इस तरह से सीधा था, लेकिन जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई, परमानेंट चेंज हो गई. तो अगर परमानेंट शेप चेंज हो जाती है तो वो हमारी इलास्टिसिटी, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हो जाएगी प्लास्टिक, वो हो जाएगा प्लास्टिक, उसका नेचर है. दिस इज नोन एज इफ, ये यहाँ पे एक कंडीशन हो गई, कौन सी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी, व्हेन एक्चुअल फोर्स इज रिमूव्ड एंड ओरिजिनल शेप इज रिगेन्ड, ओरिजिनल शेप आ जाती है, तब तो प्लास्टिक, तब तो इलास्टिक नेचर होगा. बट इफ फोर्स, एक्शन फोर्स इज रिमूव्ड एंड ओरिजिनल शेप आप वापस अचीव नहीं करते हैं, देन इट बिकम्स प्लास्टिक. देन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इफ इसका सेकंड पार्ट, ये यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट. इफ बॉडी जो आपकी है, इफ बॉडी डज नॉट कम टू ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप, देन द प्रॉपर्टी इज नोन एज, देन द प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी. और द मटीरियल इज नोन एज प्लास्टिक. प्लास्टिक का मतलब वो प्लास्टिक नहीं कि हर बार आप ये प्लास्टिक, प्लास्टिक मीन्स वो नेचर जो फोर्स लगाने पर डिफॉर्म हो जाती है, प्लास्टिसिटी कहलाती है. तो ये हमारा प्लास्टिसिटी हो जाएगा. और इन इलास्टिक, हाँ इन इलास्टिक भी कह सकते हो, इन इलास्टिक भी कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं. ठीक है,
चलो पहले इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैंने एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन हमारे पास में आ गई, इलास्टिसिटी क्या चीज होती है और प्लास्टिसिटी क्या चीज होती है। लिख लो, हो जाए तो मुझे बता देना। ओके आप लोग जब भी पढ़ाई करो, जब भी जैसे मेरी या किसी की भी क्लास अटेंड करते हो, तो ऐसे रूम के अंदर बैठ के किया करो अपने घर में, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। लाइक आप अपने रूम में अलग चले गए, है ना। वैसे हम उस लेवल के नहीं है कि हम सब लोगों के सारे बच्चों के अलग अलग रूम्स हो, लेकिन किसी एक ऐसे रूम में जाके बैठो जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। दरवाजा वरवाजा बंद करके, लैपटॉप लेते हो, डेस्कटॉप लेते हो बेस्ट है, नहीं लेते हो तो टैब ले लीजिए, टैब भी नहीं है तो लास्ट में आइए आप मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है और नहीं दिख पाता है। और मोबाइल को सामने रख के उसको स्टैंड पे या कहीं बुक्स के पीछे फिक्स कर लीजिए, और साथ में हाथ में अपने हाथ से नोट्स बनाते रहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। अगर आप सभी लोगों के भी अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में बैठ के पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं रहेगा। लिख लो इसको फटाफट और मुझे बता दो। सॉरी डन, अनुन डन, सागर डन, प्राची डन, गुड। हिमांशी डन, गुड। नाउ नेक्स्ट अविनी डन। ठीक है, अब हम इसी चीज को, अब हमारा फोकस कहां पर है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी में हमको एक नई प्रॉपर्टीज मिलती है, नई बहुत कुछ चीजें मिल जाती है, और इलास्टिसिटी की बहुत एप्लीकेशंस आ गए हमारे काम की भी है। इलास्टिसिटी के अंदर हो क्या रहा है, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ओरिजिनल शेप डिफॉर्म हो गई, ओरिजिनल शेप इतनी सी थी, अब डिफॉर्म होके मेरे पास इतनी बड़ी शेप मिल गई मुझे, और लेकिन जैसे मैंने फोर्स लगाया शेप वापस ओरिजिनल आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास में दो तीन नए वर्ड आ गए, कौन कौन से, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन किसमें, चेंज इन शेप। अब चेंज इन शेप किस तरह का, चेंज इन शेप बहुत तरह का है, कौन कौन से चेंजेज हो सकते हैं बॉडी के अंदर, तो वो चेंजेज हैं उसकी बॉडी की जो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट जो दे रखा है उसकी लेंथ में चेंजेज हो, लेंथ में चेंजेज। जैसा भी मैंने जो बताया था आपको रबड़ वाला एग्जांपल, इस रबड़ को मैंने क्या किया, खींचा, लंबा किया, तो मैंने इसकी लेंथ एक्सटेंड कर दी। तो पहला मेरा इसमें चेंज हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल चेंज, और जिसको सिंपली सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं फिलहाल, तो मेरा लेंथ में चेंज, लेंथ में चेंज मीन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसमें उसमें चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। हो सकता है वो उसकी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए या उसकी हाइट डिक्रीज हो जाए, इस तरह से जो चेंजेज हो रहे हैं वो लेंथ में चेंजेज। दूसरा, लेंथ की जगह अब अगर उसका पूरा वॉल्यूम ही अगर चेंज हो रहा हो, लाइक जो अभी मैंने इस रबर की बात की थी, इस रबर के ऊपर मैंने, देखो ये रबर मैंने है ना, मतलब करीब एक डेढ़ महीने से अपने पास में संभाल के रखा था, बिकॉज मुझे मालूम था जब भी क्लास होगी मैं इस एक ही रबर से पूरी यूनिट को कर लूंगा। इस रबर को मैं अगर एक जगह से खींच रहा हूं, दैट मीन्स मेरी इसमें लेंथ में चेंज हो कर रहे हैं,
दूसरा, अगर मैंने इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगाया तो मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर जब मैंने फोर्स लगाया इसका मेरा वॉल्यूम चेंज हो गया। या इसको भी अगर आप छोड़ दो, आपके पास गुब्बारा है या कुछ भी ऐसा चीज है, उसको अगर आपने प्रेस किया चारों सभी डायरेक्शन में आपने उसको प्रेस किया, या आपके पास में फॉर्म का टुकड़ा है, या आपके पास में जो घर पे हमारा जो सोफा सेट है, सोफा सेट के ऊपर जब आप बैठ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो, वहां उसका उसकी जो शेप है, उसकी सोफा सेट की जो फॉर्म है उसके ऊपर जब आप बैठ रहे हो तो आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, और जब आप कंप्रेस कर रहे हो या आप उसको फुला रहे हो, दैट मीन्स आप वहां पे जो चेंज हो रहा है वो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज। देन तीसरा मेजर चेंज, वॉल्यूम चेंज के अंदर हमारा श्रिंक हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है। लाइक हमारा जो गुब्बारा है, गुब्बारे में जो हम हवा भर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी शेप को एक्सपांड कर रहे हैं, और गुब्बारे में से जब हवा बाहर निकल रही है तो वो श्रिंक कर रहा है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वहां पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और उसी गुब्बारे को जब हम पकड़ के खींच रहे हैं, है ना, फुलाने के लिए खींचते हैं, दैट मीन्स उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। देन थर्ड चेंज, आपने उसकी उसके ऊपर फोर्स इस ढंग से लगाया कि सारा मटेरियल में ट्विस्टिंग होने लग गई। लाइक ये जो पैन है, पैन को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चलिए मेरे पास यहाँ पर लाइंस नहीं है, चलो मैं इसके ऊपर एक लाइंस बनाता हूँ फिर आप समझ जाओगे। मेरे पास में इसके ऊपर मैंने लाइंस ड्रॉ करता फिर आपके लिए समझना ईजी होगा। वेल आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा पास में हूँ। हाँ, अब देखो मैंने इस पैन के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ किए, और इस पैन को अब मैं यहाँ से ट्विस्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये लाइंस शिफ्ट हो गई, लाइंस अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गई, जबकि ये एंड यहाँ वाला मेरा फिक्स है, एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ की जो प्लेट्स है, यहाँ पर जो सरफेस है, इसके जो जो मटीरियल के जो मटेरियल के अंदर जो मेरे पास में मॉलिक्यूल्स जो अरेंज है, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर, मॉलिक्यूल्स की जो प्लेट्स हैं, जो प्लेन्स हैं, वो प्लेन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सरक रहे हैं। सारे प्लेन सरक नहीं रहे, ऊपर वाले प्लेन सरक रहे हैं, नीचे वाले प्लेन कम सरक रहे हैं, उससे नीचे वाला प्लेन और कम सरक रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास में इसमें ट्विस्टिंग हो गई। और दूसरा ट्विस्टिंग का आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, ट्विस्टिंग का एग्जाम्पल कौन सा दूं मैं, हम आगे वैसे पढ़ेंगे, चलो मैं उसी एग्जाम्पल को काम में ले लेता हूँ। पानी के अंदर अगर आपने देखा हो तो पानी के अंदर क्या होता है, नदी के अंदर मैं बात कर लूं तो नदी के अंदर जो बॉटम सरफेस है वहां का पानी बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसके ऊपर वाला पानी तेज चलता है, उससे ऊपर वाला पानी और तेज चलता है, और सबसे टॉप वाला जो नदी के अंदर जो पानी है, रिवर में है, कैनाल में है, वो पानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो बहुत फास्ट फ्लो करती है, लेकिन नीचे वाला पानी बहुत कम फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास जो वाटर प्लेन्स बन रहे हैं वो प्लेन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं तो इस तरह पे जो आप जो फोर्स लगा के जो कर रहे हैं, दैट इज हमने क्या कर दिया, उसको ट्विस्टिंग कहलाती है ये, तो ये हमारा ट्विस्टिंग, वॉल्यूम चेंज। अब डिफॉर्मेशन तीन तरह का हमने यहाँ पे बताया, तीन तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, लेंथ में डिफॉर्मेशन, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन, और ट्विस्ट करना, उसको रोटेट करना। लेंथ में चेंज, पहले मेरी ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए ये है, लेकिन यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया, और एफ फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ एक्सटेंड होगी, तो ये मेरा हो गया लेंथ में चेंज। दूसरा वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज मींस मेरे पास में क्यूब या कुछ भी ले लीजिए, और इस क्यूब के ऊपर मैंने इसकी छहों सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई किया छहों सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, देन इसकी शेप चेंज हो गई।
लाइक दिस, शेप इसकी बढ़ गई या श्रिंक हो गया। तीसरा ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग मीन्स मेरे पास में एक रॉड है जो बिल्कुल सीधी है और इस रॉड के सारे प्लेन्स इस तरह से, और इस रॉड के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स ऊपर वाला जो एंड है ये एंड मेरा फिक्स है, और नीचे वाला जो एंड है, ऊपर वाला एंड ये मेरा फिक्स, नीचे वाले एंड को मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, इस जगह फोर्स लगा रहा हूं, तो इसको क्या कर रहा हूं, मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। ये यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो उस केस में होगा क्या, रॉड इस तरह से, और जब मैंने ट्विस्ट किया इसको तो मेरे पास में ऊपर वाला फिक्स तो ये टेढ़ा हो गया, इसमें जो लाइंस है उसमें एंगल बन गया, यहां पर एक एंगल जनरेट हो गया थीटा एंगल, यहां पर थीटा जीरो, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक प्लेन सीधा आ रहा है, यहां पर प्लेन ट्विस्ट हो गया, नीचे वाला पोर्शन आगे की तरफ खिसक गया। या इसको मैं दूसरे और ढंग से समझाऊं उसी चीज को, दैट मीन्स मेरे पास में वॉल्यूम ट्विस्टिंग को मैं अगर समझाऊं, एक मेरे पास में क्यूब है और इस क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, जो इसकी टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, टॉप सरफेस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि इसमें नीचे वाली सरफेस एज इट इज रहे, नीचे वाली सरफेस में कोई चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाली सरफेस शिफ्ट हो गई, इस तरह से ट्विस्ट। इसमें अब देखो इसमें हुआ क्या, यहां पर जो पुरानी जो थी वो यहां पर थी पोजीशन, ये पुरानी पोजीशन, पुरानी पोजीशन से हमारे पास में आगे की तरफ शिफ्टिंग हो गई, इसमें ट्विस्ट हो गया, कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ, थीटा एंगल से आगे की तरफ ये मुड़ गया। और इसको दूसरे और एक ढंग से समझाऊं तो मैं, मेरे पास में बुक बिल्कुल सीधी है, अब मैंने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे एक ट्विस्टिंग हो गई, ये बैंड हो गई, बुक सीधी थी बिल्कुल सीधी है ना, अब नीचे वाली सरफेस को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, नीचे वाली सरफेस फिक्स है, सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, और फोर्स अप्लाई करने से ये यहाँ पर टेढ़ी हो गई, कितने एंगल पे टेढ़ी हुई, वो एंगल ऑफ ट्विस्टिंग थीटा कहलाता है। तो हमारे पास में तीन तरह की पोजीशन, तीन तरह से बॉडी या शेप के अंदर चेंज होते हैं, उन चेंजेस को मैंने आपको बताया, लिख लीजिए इसको। अब इसको वर्ड्स आपको देने हैं, मेरा काम तो ये समझाने का है। नोट डाउन करो फिर आगे और बताता हूं। जो वॉल्यूम में जो हो रहा है उसको मैं ये भी लिख सकता हूं कंप्रेशन और एक्सपांड, कंप्रेशन ही लिखो, कंप्रेशन का जो अगर माइनस साइन के साथ में तो ऑटोमेटिकली एक्सपांशन हो जाएगा, इसको मैं कंप्रेशन भी कह सकता हूं, कंप्रेशन, वॉल्यूम चेंज और कंप्रेशन, लेंथ, तीन तरह के चेंजेज हैं, लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज और कंप्रेशन, और तीसरा है ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग भी कह सकते हो या बैंडिंग, बैंड हो गई, बैंडिंग, तीन तरह के मेरे पास में डिफॉर्मेशन हो गए। देखिए आ गया, ठीक है, हाँ नेक्स्ट।
अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे इसी चीज को आगे और लेते हैं। रुको, अब पेन कहाँ गया? नाउ नेक्स्ट, जो हमने अभी डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है, लाइक इस रबड़ को, अगर मैं इस रबड़ के ऊपर अभी जो मैंने फोर्स लगाया और इसको मैंने खींचा, इतना लंबा खींच लिया, आराम से खींच लिया, छोड़ा, वापस आ गया, लेकिन इसको मैंने और ज्यादा बहुत लंबा खींच लिया, तब क्या होगा? या तो ये टूट जाएगा, दैट इज परमानेंट इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा, इसमें प्लास्टिक नेचर हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। वो हो जाएगा कब? जब मेरे पास में एक्सटर्नल फोर्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाए। अब वो लिमिट क्या है, कैसे है, हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो मैंने एक थोड़ा सा इस चीज को समझाया। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मेरे पास में दो चीजें हो रही है। कौन कौन सी चीजें? पहला, मेरे पास में यहाँ पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। दूसरा, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। देयर आर टू थिंग्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में मेरा डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब डिफॉर्मेशन हो रहा है फोर्स लगाने से, तो मैं यहाँ पर इसको दो नाम दे सकता हूं, और वो नाम क्या हुए? जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर डिफॉर्मेशन फोर्स को मैं लिखता हूं, तो उसको एफ डिवाइड बाई ए करता हूं, डिफॉर्मेशन फोर्स पर यूनिट एरिया, देन इट इज नोन एज स्ट्रेस। तो ये मेरा कहलाता है स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। और जो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है, चाहे वो लेंथ में डिफॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन हो रहा है, ट्विस्टिंग में डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है कि हमारी ओरिजिनल शेप और जो मॉडिफाइड शेप इतना चेंज हुआ। लाइक इस केस में मैं बात करूं, लेंथ के केस में मेरी ओरिजिनल लेंथ है एल, ये ओरिजिनल लेंथ एल, नई लेंथ एक्सटेंड कितनी हो गई? डेल्टा एल से नई लेंथ मेरी एक्सटेंड हो गई। तो मेरे पास में हुआ डेल्टा एल डिवाइड बाई एल जो है, यानी कि चेंज इन शेप डिवाइड बाई ओरिजिनल शेप, ये फिगर, ये जो क्वांटिटी आती है, इसको कहते हैं स्ट्रेन, ये कहलाता है स्ट्रेन। सो देर आर टू वर्ड, वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज है? अप्लाइड एक्शन, जो हमने फोर्स अप्लाई किया, पर यूनिट अप्लाइड फोर्स इज नोन एज स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस के कारण जो बॉडी में जो चेंजेज हुए, चेंजेज का रेशियो ओरिजिनल के साथ में, कोई भी ओरिजिनल क्वांटिटी, लाइक लेंथ है तो लेंथ के साथ में चेंज, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, एंगल में चेंज है तो थीटा, तो जो चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है, दैट इज नोन एज स्ट्रेन, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस इज द अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय द एरिया द फोर्स एक्ट ऑन, एंड स्ट्रेन इज द एडेड लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। और आई कैन से द स्ट्रेस इज द क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कॉजिंग द डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस क्या चीज है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। Stress is the external force acting on the object per unit cross-sectional area. Area कौन सा? Cross-sectional area. अब cross-sectional area क्या चीज़ है? अभी हम उसको बात करते हैं. It is on per unit cross-sectional area. किस area पे apply कर रहा है? उस area का cross-sectional area जो आ रहा है, वो stress. And strain क्या हो गया? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन। इट इज स्ट्रेन क्या है? इट मेजर द डिग्री ऑफ
डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, दैट इज स्ट्रेन, वो हमारा स्ट्रेन है। लिख लो फिर आगे और बात करते हैं, ऐसे मीटिंग भी ओवर होने वाली है। कितना 7 मिनट का टाइम बाकी है। देयर आर द टू डेफिनेशन, स्ट्रेस डेफिनेशन लिख लेना। स्ट्रेस इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड डिफॉर्मेशन फोर्स। सेकेंड डेफिनेशन स्ट्रेन, स्ट्रेन is measure of degree of deformation and is equal to the ratio of change in shape to the original shape. Ye definitions likh lo. गुड, चलो आप लोग लिखो। मीटिंग मेरी ये हो रही है, पूरी टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं वापस मीटिंग डिसकनेक्ट करके वापस रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, मीटिंग में रिज्वाइन करता हूँ।